दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है मिस आरती जासूस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंडिया के सारी फैकल्टी के बारे में सब कुछ पता है। वेंकट सर की क्लास के कॉन्सेप्ट और नीलम मैम के क्लास के एग्जाम्पल और दीपक सर की वीडियोस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। इतनी फैकल्टी ढूंढ ली, अब तो एग्जाम क्लियर होगा ना? आई डोंट नो। आप सिर्फ सही प्रेप कीजिए और एक्सपर्ट फैकल्टी को आप तक लाने के लिए ग्रेडअप है ना? ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। डाउनलोड नाउ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? Am I audible? Visible? Yes, Kamrul, khela hobe. अब इस बार हम UGC NET के साथ खेला होबे। इस बार हमें JRF चाहिए ही चाहिए। I understand what is this खेला होबे। सुभाषंदा, श्री चक्रवर्ती, JRF के जीत के साथ खेला होबे। Yes, we will be doing that। कैसे हैं आप सब? All of you fine, happy, preparation going on, solid, अच्छा लग रहा है कि कुछ डेली वी आर गेनिंग समथिंग, हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अच्छा है। ऑल ऑफ यू हैप्पी? यस, ओके, ऑन ऐप। हेलो हरीश, कपिल, बबीता, ज्योति, एवरीवन, मैं चल रहा है, ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज के इस नए वीडियो में, जहां पे हम लोग कैल्डर का डिनर विद कैल्डर, मैंने इसको बोला था, आज हम डिनर करेंगे कैल्डर के साथ। बिकॉज सबसे ज्यादा मुश्किल थ्योरी अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है तो वो है कैल्डर की। ओके, और वैसे भी कैल्डर का जो है वो इंडिया के साथ टच भी है, याद रखना। कैसे, किसी को पता है? एनीबडी जिसको पता हो कि कैल्डर का इंडिया में क्या योगदान है? और एक मैं छोटा सा राइट, आज एक छोटा सा मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। आर वी रेडी फॉर द सरप्राइज? लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर अ सरप्राइज। और ये ऐसा सरप्राइज है, आई कैन बेट ऑन दिस, ये सरप्राइज देखने के बाद, इस सरप्राइज को आपने अगर अपने मोबाइल के वॉलपेपर या अपने लैपटॉप का वॉलपेपर, अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन या एक्टर या एक्ट्रेसेस या क्रिकेटर के ऊपर बना रखा है, या कोई अच्छी सिनेरियो बना रखी है, सो मैं आज सबका वॉलपेपर चेंज करवाने वाला हूं। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, शुभ शौंदा टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यस, अस्सलाम वालेकुम सभी को, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को, अच्छा सभी का अच्छा हो। लेकिन आज जो मैंने आपको बोल दिया वो मैं करके दिखाऊंगा, सभी का वॉलपेपर एक दिन के लिए तो चेंज हो जाएगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू फॉर दिस चेंजिंग ऑफ द वॉलपेपर? यस यस सोनम, थोड़ा सा शॉकिंग है, सोचो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सभी का वॉलपेपर चेंज करवाना चाहता हूं। और वो इतना अच्छा इमेज है, नहीं अब धोनी, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन, ठीक है, करीना कपूर, ये सब वॉलपेपर अभी नहीं होगा एक दिन के लिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए, ये मैं गारंटी ले सकता हूं सभी की, बता दूं। थोड़ा सा और लोगों को आने दीजिए, बिकॉज जब मैं वो दिखाने वाला हूं तो उसके बाद तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या बनाया सर आप। और अगर ये दूसरे इंस्टॉलमेंट में चाहिए जो मैंने किया, अगर वो वॉलपेपर आप स्क्रीनशॉट लेके आप रखते हैं अपने पास, ठीक है, ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में वो आपके पास यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना शो मोर का, वहां पे आप देखेंगे तो ये लिंक भी मिल जाएगा आपको। अच्छा नहीं नहीं, मैं आज एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है। ओके ठीक है, अभी दिखाऊं? कितने लोगों को अभी देखना है? वेटिंग। मैं देखता हूं थोड़ा सा और वेट करूं, या अभी दिखा दूं? ओके, एक झलक तो बनती है, टीजर दिखा रहा हूं, हां टीजर दिखा देता हूं। ये क्या देखा आपने? क्या देखा आपने?
क्या देखा ये, और मैंने हटा लिया। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा, देख के कैसा लगा ये तो बताइए। सही 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 बात चल रही है यहां पे, बिल्कुल सही। ऐप पे तो बिल्कुल लोगों ने पहले पकड़ लिया, सर ये तो क्रोनोलॉजी है, जबरदस्त सर ये। अब बताओ किस किस का वॉलपेपर चेंज होने वाला है एक दिन के लिए एटलीस्ट। यस, ये मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगा सबको, आपको एक साथ। यू कैन जस्ट टेक इट, टेक द पिक्चर ऑफ इट, ठीक है, टेक द पिक्चर ऑफ इट और इसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल कल है 8 बजे, हर दिन 8 बजे। अब तो मैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये सब नहीं आता, अब मैं इवन ऑड होता है ना, जैसे दिल्ली में चल रहा था इवन ऑड का गाड़ी चलेंगी, अब नहीं, अब तो हर दिन मतलब डेली। अब तो इलास्टिक सप्लाई कर दी है मैंने, ठीक है। अच्छा नहीं, अगर सारा एग्जाम तक वही रखेंगे तो बाकी कैसे पढ़ेंगे। ऐसे करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारा का सारा एक साथ मैं आपको दे दूं। अरे बाप रे बाप, एवरी डे अमित सर जिंदाबाद, थैंक यू कपिल। नहीं, मेरा जिंदाबाद मत कीजिए, इकोनॉमिक्स का जिंदाबाद हो जाए वही काफी है। सर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा प्रूफ। नहीं नहीं ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तभी तो मैंने बोला ना कि आप सभी का स्क्रीनशॉट चेंज होने वाला है। चलिए शुरुआत करें फिर आज की। हेमंत, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप कहां से हैं? मैं हूं बंगाली, आई एम बंगाली, दिल्ली में पला बड़ा हूं, तो दिल्ली से ही हूं कह सकते हो आप, लेकिन दिल बंगाली है, सो मैं बंगाल से हूं। सर एग्जाम तक यही रहेगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्लीज हर क्वेश्चन को डिटेल्स समझा दीजिए, मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूं। चलिए शुरू करें। यस पुणे जी, जी काम से महाराष्ट्र, यस। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आर वी रेडी? ओके, और इस बार का मॉक्स जो सैटरडे को है प्लीज अटेंड कीजिएगा, बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इस बार का मॉक्स करेंगे ना, सैटरडे को तो हमारा मॉक्स का है, तो वहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब आप कहीं और से कुछ भी करिए, कुछ भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इन मॉक्स को कभी छोड़ना मत। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉक्स लेके आ रहा हूं मैं इस बार, सैटरडे को 8 बजे, और संडे को एक इवेंट है 8 बजे इकोनॉमिक सर्वे का। क्या बोला मैंने, मैं सभी को बता देता हूं, ये याद रखना, संडे का डेट क्या है, 14th मार्च, क्या करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक सर्वे, कितने बजे मत पूछिएगा, यहां पे घड़ी बनी हुई है 8 बजे, ठीक है, संडे। और सैटरडे क्या है, 13th मार्च, क्या करने वाले हैं, धुआंधार प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? सिंपल प्रैक्टिस नहीं, धुआंधार, अंधाधुंध प्रैक्टिस। ऐसा अंधाधुंध प्रैक्टिस होगा जिसमें दिमाग तो खुला रहेगा लेकिन बस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं कुछ पीएचडी क्वेश्चन पेपर से ले रहा हूं, कुछ गेट से ले रहा हूं, कुछ यूजीसी से ले रहा हूं, कुछ नेट से ले रहा हूं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, आप सभी को पसंद आया था, और अब तो मेरे पास थोड़ा टाइम भी मिल गया, मैंने अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो सभी को अच्छा लगेगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना लेवल तक हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं आप। वेरी गुड इवनिंग त्रिशिता, यू मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव ज्वाइन लेट त्रिशिता, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है। मैं सबके लिए एक बार दोबारा दिखा देता हूं, दोस पीपल हु हैव ज्वाइंड मी न्यू जस्ट नाउ, उनके लिए मैं एक बार वो स्लाइड खोल के दिखा देता हूं। सो एक बार दोबारा, ऑन पब्लिक डिमांड 1, 2, 3 बैक, ऑन पब्लिक डिमांड था ये, हाँ सभी को दिखाने के लिए। यस शोभिक, सो क्या देखा,
चलिए बहुत बढ़िया शुरू करते हैं अब, ठीक है। आई बिलीव त्रिशिता एंड अदर्स हु हैव जॉइंड मी लेट, हिंदी में स्लाइड के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने आप लोगों से टाइम मांगा है, मैंने खुद आपको हिंदी में बोला है, तो इस सेशन में नेक्स्ट एक घंटे में प्लीज आप हिंदी इंग्लिश मत बोलिएगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है और हिंदी आपको मिलेगा। फैंटास्टिक लाइंस कामरुल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे अदर्स थिंक्स टुमारो, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, पहले मैं ये करूं फिर इकोनोमेट्रिक्स पे भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इकोनोमेट्रिक्स में जितनी मैंने वीडियोस की हैं उतना कर लीजिए, काफी है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं आप। सो जैसे मैंने बताया, इस संडे को हम लोग दो सेशन करने वाले हैं, एक है इकोनॉमिक वीकली करंट अफेयर्स। कल कोई बोल रहा था कि सर आप इकोनॉमिक वीकली करंट अफेयर्स क्यों नहीं करते, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद पढ़ के ही बोला होगा उन्होंने। तो ये संडे को है, 14 मार्च को 4 बजे, ठीक है। और संडे को ही हम एक और सेशन कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक सेशन है, इकोनॉमिक सर्वे का सेशन, वो है 8 बजे एक संडे को, ठीक है। ये 14 मार्च का प्लान है मेरा, और ये सैटरडे है, यहाँ पे सैटरडे को हम लोग मॉक करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सो वी विल गो फॉर दैट, ठीक है। विदाउट एनी मोर डिले, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट 50% ऑफर जो चल रहा है अभी ग्रेडअप पे, सेविंग मार्च, सुपर सेविंग मार्च, एक पेपर में एक सब्सक्रिप्शन, दोनों पेपर में आपको मिलेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द कैल्डर, ओके। कैल्डर जो थे, निकोलस कैल्डर, ये 1958 के करीब इंडिया में आए थे, 56-58 के करीब, ठीक है, इतना मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन 56-58 में आए थे ये, मतलब इनकी ये थ्योरी पब्लिश होने से पहले आए थे या ऐसे कुछ टाइम पे आए थे ये, और इनकी अच्छी दोस्ती थी पीसी महानोबिस के साथ। पीसी महानोबिस जिन्होंने फोर्थ सेक्टर मॉडल दिया, मशीन मेकिंग मशीन। तो जब कैल्डर साहब हमारे यहाँ पे आए, पुणे में आए थे, ही वॉज अटेंडिंग सम कॉन्फ्रेंसेस, तो पुणे में उनको बोला गया कि वाई डोंट यू सी कि इंडियन वेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। सो इसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन आया यूजीसी नेट में कि ऐसा कौन सा टैक्स इंडिया में जो कि कैल्डर के बोलने से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में इंक्लूड हुआ था, वो है गिफ्ट टैक्स, वो है वेल्थ टैक्स। ये दोनों के दोनों कैल्डर के बोलने से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में इंक्लूड हुआ था, राइट। तो आप लोगों को ये याद होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये है कैल्डर का, कैल्डर की हमारे साथ जो हमारी जो लिंकअप है ये है। अच्छा, ये कैल्डर साहब जो है, ये द मॉडल फॉलोज अ हेरोडियन डायनामिक अप्रोच एंड कीन्शियन टेक्निक ऑफ एनालिसिस। देखिए ये 1950 के आसपास ना तीन तरह के ग्रोथ थ्योरी चल रही थी, एक चल रही थी हेरोडोमर मॉडल वाली, दूसरी चल रही थी आपकी जॉन रॉबिन्सन कैल्डर वाली, वेसिनिटी वाली, ठीक है, ये वाली चल रही थी, और तीसरी चल रही थी सोलो वाली। ये एक 10 साल के डिकेड के बीच में आया था। हेरोडोमर का मैं अगर 1948 पकड़ लूं, राइट, क्योंकि पब्लिश जब हुआ था मैं उसी टाइम से पकड़ रहा हूं, तो 1950 के करीब पब्लिश हुआ था ये। हैरड ने पहले काम किया था, डोमर ने बाद में काम किया था, लेकिन पब्लिशिंग दोनों का एक साथ हुआ था। सोलो का तकरीबन 1956-57 में चल रहा था इनका, इसके बाद इन्होंने दोबारा करेक्ट वर्जन किया जो कि 1962 में था, जब इन्होंने और भी सारी चीजें एक साथ इंक्लूड की थी। और जॉन रॉबिन्सन कैल्डर और पेसिनिटी का 1950s में चल रहा था। तो ये टाइम पे तीन अलग अलग डिवीजन थे। तो ये भाई साहब हमारे हेरोडोमर जो है, जब हमने कल बात किया कि इनको एक यूनिक कैपिटल सेविंग पॉइंट चाहिए, इनको एक यूनिक सेविंग पॉइंट चाहिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए, वी चाहिए, उसी में अगर आप उसी रफ्तार से चलेंगे, उसी स्पीड पे चलेंगे, उसी स्पीड पे अगर आप सेविंग करेंगे, उसी स्पीड पे आप कैपिटल बनाएंगे, उसी स्पीड पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आपको वो व्हाट यू से मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब स्टेडी स्टेट प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मैं ये हिंदी के साथ जो ये आपके साथ ये जुगलबंदी कर रहा हूं ताकि आपको याद हो सके, बिकॉज ये सब एक्चुअली में इंग्लिश में या हिंदी में इतने कठिन कठिन शब्द में लिखे हुए हैं ताकि आप एक बार ये वर्ड समझ में आ जाए तो आपके लिए आपको ये समझना मुश्किल नहीं है। स्टेडी स्टेट मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाना, मतलब सब कुछ कर लिया दुनिया में, जीएसटी देख लिया, डिमोनेटाइजेशन देख लिया, कोरोना देख लिया, सब कुछ देख लिया, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो वाला हालत है। हेरोडोमस साहब कहते हैं कि एक यूनिक कैपिटल सेविंग रेशियो है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, एक यूनिक सेविंग रेशियो है, उसी से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो आप जो हो वो चाकू की धार पे हो, मतलब इट्स लाइक अ वॉकिंग ऑन अ नाइफ एज। पैर में तो दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, खून बह रहा है,
लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो या तो इन्फ्लेशन या तो अनएम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाएंगे और ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब एक तो होता है रोप वॉक, यानी कि रस्सी पे चलना। रस्सी पे तो फिर भी इंसान चला जाए, चल ले, इतना डर होता है, दर्द नहीं होता। बट यहां पे तो डर भी है, क्या है, डर भी है और डर के साथ डी भी है, यानी कि डर और दर्द दोनों है। बिकॉज थोड़ा सा भी अगर इधर से इधर हो गए तो आप इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। कैसा लगा ये आज, और समझ में आ रहा है आज, और समझ में आ रहा है, राइट और रॉन्ग? ये जो ऐसी 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 भाषा में बात करता हूं ना, तो ये ज्यादा क्लिक हो जाएगा आप लोगों को, आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इज दैट फाइन, नॉट फाइन, लेट मी नो, आई एम वेटिंग। ये ऐसी बातें, मोक्ष प्राप्त हो जाना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये मैं हिंदी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। चलिए वंशराज, आज बहुत दिनों के बाद आप दिखे, आज कल भी थे आप शायद, यस। तो अब आते हैं हम जॉन रॉबिन्सन, कैल्डर, पेसिनिटी, इनकी बारे में बात करने के लिए। इन्होंने सारा का सारा काम किया था कि सेविंग कैसे करें, कौन सेविंग करेगा। देखिए ये तीनों के बीच में एक फाइट थी, ठीक है, इन तीनों के बीच में एक फाइट थी। जॉन रॉबिन्सन को थोड़ा सा हटा दीजिए, बिकॉज उन्होंने तो कोई थ्योरी दी नहीं। उनकी थ्योरी का जो भी पार्ट था वो केनेथ कुरिहारा ने दिया था, मैथमेटिकल पोर्शन, मैंने बताया भी है ये। अब बात आती है कैल्डर की और पेसिनिटी की। सो कैल्डर ने कहा था कि सेविंग जो है, सेविंग कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट करेंगे। पेसिनिटी ने क्या कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, सेविंग दोनों करेंगे, दोनों वर्कर्स भी करेंगे और कैपिटलिस्ट करेंगे। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि वर्कर सेविंग करेगा, सेविंग करेगा, वेजेस से पैसा बचाएगा, हर कोई सेविंग करता है, आप मैं हम सब सेविंग करते हैं, बचत सभी करते हैं। सो अगर बचत करके ये पैसा मुझे कैपिटलिस्ट को देना पड़े तो मैं क्यों बचाऊं, मैं खाना लूं, पूरा कंजम्पशन ना कर लूं उसका, मैं, मेरे पास पैसा भी नहीं रह रहा, मैं कैपिटलिस्ट को गिफ्ट में दे रहा हूं। ये पेसिनिटी की वर्डिंग थी, तो इसी की बात करेंगे। और सोलो जो थे ये तीसरे तरफ में थे, इन्होंने कहा कि हैरी डोमर से कि क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें, आप किसी भी रफ्तार से जाइए, चाहे आप धीरे, चाहे आप बाइक में जाइए, चाहे बुलेट ट्रेन में जाइए, चाहे आप एरोप्लेन से जाइए, चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाइए, सब रास्ता एक ही तरफ जाता है, जैसे सबका मालिक एक है, सब रास्ता एक तरफ जाता है और वहां पे आप पहुंच जाएंगे, चाहे अमेरिका पहुंचे, चाहे इंडिया पहुंचे, चाहे जापान पहुंचे, ठीक है। ये एक कहानी है इन तीनों की। जिस दिन मैंने इसको ऐसे सोचना शुरू किया ना, उस दिन से मेरा ग्रोथ मॉडल बिल्कुल नंबर वन टकाटक हो गया, ठीक है। It's understood? All of you done with this? ठीक है, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अब देखो कैल्डर जो थे, ये आपको बहुत बार सुना होगा आपने कि कैल्डर कौन से ग्रुप से है, ठीक है, ये क्या न्यू क्लासिकल है या केन्शियन है या कौन से हैं? तो ये कोई किसी क्लास से नहीं है, बाय द वे, मैं अगर इसको बता दूं सही से, तो हो सकते हैं कि ये न्यू क्लासिकल से थे, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो न्यू क्लासिकल की तरह दिख नहीं रही थी। ये देखिए मैंने क्या लिखा यहां पे, अनलाइक न्यू क्लासिकल मॉडल, कैल्डर डिड नॉट ट्रीट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज एन एक्सोजीनियस। इंडीड, उसने कहा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसको कैपिटल एक्युमुलेशन से जोड़ दिया जाए। इन्होंने क्या कहा, देखो बाकी अगर आप सोलो का मॉडल देखें, सोलो के मॉडल में टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सोजीनियस ट्रीट की थी, बट यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्डर ने क्या कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो है फंक्शन, किसका टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड करती है, उसने कहा टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब ये समझ लो ध्यान से, अब ये इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेविंग्स पे। ये समझ में आया लिंक क्या है? सो आपका टेक्निक, आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो तो हर जगह है ना, कि हम जैसे मान लीजिए अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट किया पढ़ाई लिखाई में, मान लीजिए आप 12वीं तक पढ़े हो, ठीक है, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा 12th पास करके भी बहुत अच्छा लाखों में कमा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो 12वीं तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, स्कूल में गए, पढ़ाई की और उनकी सैलरी कम है, ठीक है, उनकी सैलरी कम है। जो ग्रेजुएशन पढ़ लिया, 3 साल और कॉलेज की फीस भर दी, तो जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी, राइट, 12th से तो बढ़ जाएगी। जो मास्टर्स करेंगे उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी, जो
पीएचडी करेंगे उनकी सैलरी और अच्छा हो जाएगा, है ना। सो यही बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना टेक्नोलॉजी अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका फंक्शन है? सेविंग। सेविंग कौन करता है? कैपिटलिस्ट। आ गया। सो थ्योरी का बेसिक लाइन समझ में आ गया? ये है थ्योरी का बेसिक लाइन। कैसा लगे? एवरेज रेटिंग, ठीक है, अब एवरेज रेटिंग दीजिए। यस, ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू यूज टेक्नोलॉजी एज एन एंडोजीनियस वेरिएबल, राइटली सेड बाय सुदर्शन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। मैं आगे चल रहा हूं, एजम्पशन देख लेते हैं एक बार। बेस्ड ऑन द केन्शियन कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्ट टर्म पीरियड। अब यहां पे ये मत बोलिएगा सर कि केन्स ने कभी तो फुल एम्प्लॉयमेंट बोला नहीं था। केन्स ने तो कभी नहीं बोला था। केन्स ने बोला था कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ लॉन्ग रन में जा सकती है, और लॉन्ग रन तक हम तभी पहुंचेंगे जब जब हम शॉर्ट रन डेविएशन ठीक कर लेंगे। और कैसे ठीक करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो और इकोनॉमी इज ऑलवेज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट दैट इज बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे की तरफ है हम लोग, कहीं पे अभी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है। सो इसका मतलब है इस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। देखिए एजम्पशंस में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आता है वो सब यहीं से घूम के आता है। इसी जगह से चार क्वेश्चन आए हैं, चार क्वेश्चन इसी जगह से आए हैं। एक्सेस कैपेसिटी है इसमें। एक्सेस कैपेसिटी मतलब इतना मेरे पास पावर है, प्रोडक्शन की पावर है कि कल को अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े तो एक्सेस कैपेसिटी का यूज करके मैं एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकता हूं। ये इसका मतलब, राइट। तो इसीलिए देख लीजिए, वेयर इन एग्रीगेट सप्लाई इज इनइलास्टिक एंड अनरिस्पॉन्सिव टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई। टेक्निकल प्रोग्रेस इज फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निक इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट्स अ फंक्शन ऑफ डेल्टा के। डेल्टा के क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सेविंग। सेविंग का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट जो सेव कर रहा है, जितना बच गया। नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं इस देश में। अगर ये पूरा नेशनल इनकम है, मान लीजिए 100 रुपए का, तो यहां से कुछ इतना जो है, मान लीजिए 40 रुपए जा रहा है लेबर के पास, और 60 रुपए जा रहा है कैपिटलिस्ट के पास। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है प्रॉफिट, और ये वाला जो पोर्शन है कि वेजेस। अब यहां पे दो तरह के वेजेस हैं। एक है, दो तरह के सेविंग्स हैं। टोटल सेविंग जो है दो तरह की है, एक है सेविंग आउट ऑफ वेजेस और एक है सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट। सो सेविंग आउट ऑफ वेजेस कौन करेंगे? वर्कर्स। और सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट कौन करेगा? कैपिटलिस्ट। ये सेविंग वर्कर सेव करेगा और ये सेव करके कैपिटलिस्ट को दे देगा, मतलब ऐसे ही गिफ्ट में। मुझे पता है आप लोग कहोगे सर ऐसा थोड़ा ना, ये हलवा थोड़ा ना जो ऐसे दे दिया। यही तो बाद में पेसिनिटी ने बोला था कि ये हलवा थोड़ा ना जो ऐसे दे दोगे, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों दूं उसको, मैं कैपिटलिस्ट को क्यों दूं। इसीलिए पेसिनिटी ने बाद में वर्कर्स को भी कैपिटलिस्ट माना। पेसिनिटी ने वर्कर्स को भी कैपिटल का ओनर माना। कैपिटल का ओनर माना। पेसिनिटी ने कहा कि वर्कर जो है वो सेविंग करेंगे, वो कैपिटलिस्ट को दे देंगे, लेकिन बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट क्या है? इन फॉर्म ऑफ हायर वेजेस। इन फॉर्म ऑफ हायर वेजेस। ये है कहानी पेसिनिटी की। तो एनीवे मैं पेसिनिटी नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी कैलेंडर पढ़ा रहा हूं। पहले प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम, वेजेस, प्रॉफिट, कैपिटल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट आर ऑल कॉन्स्टेंट प्राइस। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक वेरीज विद द कैपिटल एक्युमुलेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ टेक्निक्स। यानी कि आप कौन सा टेक्निक यूज करने वाले हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा कैपिटल एक्युमुलेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो आप चले जाएंगे कैपिटल इंटेंसिव की तरफ। कैपिटल इंटेंसिव की तरफ आप चले जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? सर वर्कर नोअर ओनर, वर्कर को ओनर बना दिया। हाँ, वर्कर को ओनर बना दिया, क्योंकि वर्कर जो है उनका पैसा है ना। हेमंत आज आपका पैसा है, आप पैसा कमा रहे हो और मैं बोल रहा हूं मेरे को दे दो बिना कुछ किए, वो कैल्टर भाई साहब बता रहे हैं। पेसिलिटी ने बोला कि ऐसा थोड़ा ना होता है, राइट। ओके, चलिए एजम्पशंस हो गए और हम लोग अब
अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, बिकॉज दो बार ऐसा हुआ है कि यूजीसी नेट में इन दोनों के में से क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों में से पूछा है, ठीक है, इन दोनों में से। तो ये इक्वेशन समझ लीजिएगा, थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन डरना नहीं है, और थोड़ा पूरा थोड़ा याद करना है, ठीक है। अब देखिए कैलेंडर मॉडल क्या बोलता है, सपोज द वर्किंग पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि लेबर ग्रोथ जो है वो एन है और वो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब हुआ 1/L dL/dt इज कॉन्स्टेंट। देखो ये जो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन के टर्म पे, कि 1/L dL/dt यानी कि द वे हाउ लेबर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। ओके अब चलते हैं आगे, सेविंग फंक्शन, ये तीन चीजें याद रखिए, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल। अब ये समझने में मुश्किल नहीं है क्योंकि जितना आप सेव करेंगे उतना आप इन्वेस्ट करेंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब डेल्टा के, इसका मतलब कैपिटल एक्युमुलेशन, और इसका मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस। ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कभी भी देते हैं कि कौन सा बंदा पहला था, कौन सा इंसान पहला था, कौन सा इकोनॉमिस्ट था या कौन सा मॉडल था जिसने पहली बार सर्वप्रथम सबसे पहले टेक्नोलॉजी को एंडोजीनियस माना था, वो है हमारे कैल्डर, याद रखना इस चीज को। अब हम इक्वेशन करते हैं, दो तीन इक्वेशन करवाऊंगा और तीनों सिंपल सिंपल इक्वेशन है, डरना मत, थोड़ा देख के डर लगेगा। अच्छा अब इस इक्वेशन को समझने के लिए हम पहले करते हैं कि हमने क्या सीखा, कि टोटल सेविंग इज इक्वल टू सेविंग्स बाय वर्कर प्लस सेविंग्स बाय कैपिटलिस्ट। मैं कैपिटलिस्ट को छोटे में किस्त लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये मान लीजिए टोटल सेविंग है, नेशनल इनकम का टोटल सेविंग है, तो इतना सेविंग जो है ये वर्कर्स कर रहे हैं और इतना सेविंग जो है वो के कर रहा है, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू एस डब्ल्यू प्लस एस के। ये कौन सा सेविंग है जो वर्कर कर रहे हैं, ये कौन सा सेविंग है जो कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। अब वर्कर्स सेविंग जब करेंगे तो कैसा करते हैं वो, ये देखिए, ये है बीटा वाई माइनस पी टी, और एसके का मतलब क्या है, अल्फा पी टी। अब इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा केस है ये, ठीक है। देखो हमारा पी टी ये क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, और वाई टी क्या है, आउटपुट। आउटपुट को बेच के मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट को बेच के मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट या वेजेस, ये हमारा एजम्पशन में है। ये देखो एक बार एजम्पशन देख लो, क्या लिखा है यहां पे, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, यानी कि नेशनल इनकम का मतलब हो गया आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। चलो ये हो गया, अब मैं यहां वापस आ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू पी प्लस वेजेस, यानी कि वेजेस कितने हुए, y माइनस पी इज इक्वल टू वेजेस। सो ये y माइनस पी को मैंने यहां डाल दिया, ये देखो, और ये क्या है, ये pt है। अब बीटा क्या है, बीटा है एमपीसी आउट ऑफ वेजेस, जितना वेजेस मिलेगा उसका मैं कितना कंजम्पशन करूंगा पूरा एंटायर इकोनॉमी में, और ये क्या है pt, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट पूरे इकोनॉमी का, उसका पोर्शन होगा एमपीसी आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया सबको, एनी डाउट हियर? एंडोजीनियस का मतलब, तो एंडोजीनियस का मतलब तो यह हो गया कि आपके सिस्टम के अंदर, बाहर से नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस है, अभी उसके बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा एक ना डिस्कशन हो जाएगा अभी, अभी पहले इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया उसके लिए एक बार लास्ट टाइम, टोटल प्रॉफिट, टोटल इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट, यानी कि नेशनल इनकम जो है या तो वेजेस के रूप में लोगों को मिलेगा, वर्कर्स को मिलेगा, या प्रॉफिट के रूप में लोगों को मिलेगा। सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं यहां पे, एक है वर्कर और एक है कैपिटलिस्ट, ये दोनों मिला के काम करते हैं। वर्कर्स को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटलिस्ट को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब इसको अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट का मतलब है पीटी, तो वेजेस का मतलब क्या हुआ, वाई माइनस पीटी,
कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे किसी को? एमपीएस एमपीसी नहीं, एमपीसी क्यों होगा, एमपीसी क्यों होगा? कंजम्पशन नहीं बात कर रहे हम, टोटल सेविंग की बात कर रहे हैं। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। त्रिशिता यहां पे ऐप पे ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। सो ये हो गया मेरा वर्कर्स वेजेस, ये है मेरा वेजेस, ये है मेरा प्रॉफिट। और अल्फा का मतलब क्या है, कितना पोर्शन प्रॉफिट का मैं सेव कर रहा हूं, राइट? व्हाट इज दिस, दिस बेसिकली मींस एमपी एमपीएस, यानी कि एमपीएस का मतलब क्या हुआ, दैट इज हाउ माय सेविंग्स चेंजेस व्हेन माय प्रॉफिट चेंजेस, राइट? वैसे तो नॉर्मली हमने पता ही है ना कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। अब वाई जो है वो प्रॉफिट का इनकम है, यानी कि वो कैपिटलिस्ट का इनकम है, तो इसलिए ये आ गया। और बीटा का मतलब क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वेजेस, वेजेस का मतलब क्या है, इज इक्वल टू वाई माइनस पीटी। देखो मैथमेटिक्स को अगर आप सही समझ लो ना, उससे आसान चीज नहीं है। मैंने तो समझ लिया, ये देखो क्या समझा दिया आप सबको। है कोई जिसको डर लग रहा है अभी भी? एनीबडी हु अंडरस्टूड दिस, जिसको समझ नहीं आया, हाउ मच प्रॉफिट इज सेव्ड, हाउ मच वेजेस आर सेव, हाउ मच प्रॉफिट इज बीइंग सेव्ड एंड हाउ मच वेजेस आर बीइंग सेव्ड, ये है कहानी सिंपल सिंपल भाषा में, ठीक है। और जो नेट में क्वेश्चन आया था वो ये था कि एमपीएस ऑफ वेजेस यानी कि अल्फा एंड एमपीएस ऑफ प्रॉफिट यानी कि बीटा, अब दोनों में अल्फा जो है वो बड़ा है, यानी कि कैपिटलिस्ट है, ज्यादा प्रॉफिट है उसके पास, तो अल्फा जो है वो ज्यादा है बीटा से। अल्फा क्या है, जो जिस रफ्तार में कैपिटलिस्ट प्रॉफिट सेव कर रहा है और जिस रफ्तार में वेजेस वर्कर्स सेव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में तकरीबन 2018 या 19 में आया था ये क्वेश्चन, मेरे पास सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मुझे पूरा याद है। तीन ऑप्शन दे रखे थे मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से, एंड यू हैव टू चूज द कोड्स, तो ये कोड था जो कि गलत था, उन्होंने ऐसा करके दिया था, अल्फा ज्यादा कम कर दिया था, सभी को याद आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला वाला समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया यहां पे। ऑल ऑफ यू डन, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, ये जो है इसको नोट कर लो, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा तो दो और इक्वेशन है, और ये वाला अगर हो गया तो वो दो आराम से हो जाएंगे, और लास्ट में हम जब ग्राफिकली करेंगे तो ये तीनों का एक साथ मतलब ज्वाइन होके आएगा। हाँ, कैपिटलिस्ट ज्यादा सेविंग करेगा, बस 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 वही है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका, वी आर मूविंग फॉर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखिए, हमने सेविंग कर लिया, कितना सेविंग किया एक बार लिखते हैं सेविंग फंक्शन जो हमने किया, ठीक है। सो टोटल सेविंग फंक्शन कितना था हमारा, S is equal to alpha yt minus pt plus beta, एक सेकंड यहां पे, हाँ beta pt, तो मैंने शायद कुछ अलग सा कर दिया होगा यहां पे, एक सेकंड, हाँ मैंने उल्टा कर दिया, alpha इधर जाएगा, ये मान लीजिए beta और ये मान लीजिए alpha, ठीक है। अब जब हमने ये प्रॉफिट सेव कर लिया, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, कैपिटल स्टॉक यानी कि आपका कैपिटल का लेवल। अब आज की डेट का कैपिटल यानी कि 2021 का कैपिटल जो है वो, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, ठीक है, इसको उसके साथ मत जोड़िएगा, यहां पे अल्फा और बीटा था, ये अल्फा डैश और बीटा डैश है, तो अल्फा डैश वाई ऑफ 2020 प्लस बीटा ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर का 2020 अपॉन कैपिटल ऑफ 2020 इनटू इनकम ऑफ 2020। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यानी कि इस साल मेरे पास ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हाँ स्टॉक, दो कॉन्सेप्ट होते हैं स्टॉक और फ्लो। आज की डेट का कैपिटल मेरे देश में जितना है, हमारे देश में जितना है, वो किसका फंक्शन है, पिछले साल हमारा जो जीडीपी रहा उसका, प्लस जितना हमने प्रॉफिट कमाया उस कैपिटल से, राइट क्योंकि वही मिला के आएगा। ये देखो ना यहां पे क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ये है हमारा S इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, एक सेकंड रुको। सो ये है, इसको ऐसा कर देते हैं,
सिर्फ ये वाला स्टेप समझ में आ जाए तो आगे का आराम से हो जाएगा, ये वाला स्टेप समझ लो। और इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, इस पे भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो लास्ट इस साल का, दिस ईयर, इस साल का जो भी कैपिटल है वो पिछले साल का इनकम, देखो इनकम है नेशनल इनकम आउटपुट, और उस कैपिटल से प्रॉफिट का रेशियो। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैंने 100 कैपिटल डाला और मुझे प्रॉफिट मिला 30, सो इसी का तो प्रॉफिट अर्न होगा ना, तो ये मेरा आ गया यहां पे मल्टीप्लाइड बाय इनकम ऑफ YT माइनस 1। तो ये एक है। अब देखो ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर आउटपुट है और ये है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल, कितना मैं कैपिटल डालू कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो ये है मेरा रिटर्न। दूसरा तो सिंपल है, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, अभी कोई नया चीज तो है नहीं ये। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब इस साल का कैपिटल माइनस पिछले साल का कैपिटल, ये हो गया, हो गया समझ में आया, वही चीज है। और यहां पे ये रखिए, दोनों के दोनों इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो कैपिटल हमारा वो वाला हिस्सा है जो कि हमने लास्ट ईयर के आउटपुट से थोड़ा बचाया होगा और जिस रेट से हमने प्रॉफिट कमाया होगा उसको मिला के हमने कैपिटल स्टॉक बनाया है, राइट। ये क्लियर हो जाना चाहिए अभी, बिल्कुल, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर नाउ। हाँ ठीक है, ओके फाइन, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंड द लास्ट इक्वेशन ये है टेक्निकल प्रोग्रेस। अब टेक्निकल का मतलब क्या है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट को टेक्निक में डाला। देखो अब एक लाइन बन रही है पूरी, क्या लाइन बन रही है, देखो ये क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि आपने सेविंग किया। अब मैंने पहले क्या लिखा था, कितना आप सेव कर रहे हो, उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका कितना आप कैपिटल एक्युमुलेशन कर रहे हो, उसका क्या टेक्निकल हो रहा है, कितना टेक्निकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो ये सारा हमने किया। तो ये तीन इक्वेशन है, 1, 2 और 3। आप समझ में आया लाइन पूरा, ये है कैल्डर ने कहा। और ये चीज बहुत मुश्किल से आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि पहले में हमने सेविंग फंक्शन किया, दूसरे में हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया और तीसरे में हमने टेक्निकल प्रोग्रेस किया। तो हमने पहले से सीखा कितना सेविंग होगा, दूसरे से हमने सीखा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और तीसरे से अब हम करेंगे कितना टेक्निकल बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो सिंपल है, ये तो हमने पहले दिन से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज दिस, डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, चेंज ऑफ आउटपुट अपॉन आउटपुट, सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड किस पे करेगी, द टेक्निकल प्रोग्रेस एंड जिस रेट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल का, जिस रेट से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैपिटल से। तो ये देखिए, अगर इसको भी तोड़ना है, देखो तोड़ के खेला, खेल बहुत मजा होता, तभी तो कहते हैं ना खेला हॉबे, कैसे खेला हॉबे, ये देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटी, आईटी का मतलब है डेल्टा के अपॉन के, ये क्या निकल गया, देखो देखो क्या निकल गया, ये निकल गया ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस प्लस ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। देखो इससे पहले आपने इसको इस नजर से नहीं देखा होगा, कभी देखा इसको ऐसे ऐसे नजर से, व्हाट इज आई बाई के, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ अपॉन के ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। मजा आया, मुझे ऐप वाले पहले आंसर दे रहे हैं, पुराना प्रॉफिट कैपिटल बन जाएगा, यस वेरी गुड फैंटास्टिक विवेक, आई एम थैंकफुल टू यू, पुराना प्रॉफिट कैपिटल बन जाएगा, वेरी फैंटास्टिकली सेड, ठीक है खेला हो भाई, यस। तो ये तो खेल हो गया। देखो डेल्टा, ये आई का मतलब डेल्टा के अपॉन के, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। तो ऑल माय डियर बंगाली फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके ग्रेट। तो हो गया खेला यहां पे, हमने देखो हमने कर दिया इसको, खेल कर लिया हमने। तो ये है पूरा का पूरा, और याद रखिएगा दिस इज व्हाट, ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। बिकॉज क्यों होगा, किसी में है दिमाग क्यों बोलेंगे इसको कि ये 1 से छोटा क्यों होगा, बहुत सिंपल सा आंसर है, बीटा डैश 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कब होता है, ये देखो इसको भी समझ लो, ये मुश्किल नहीं है, ये 1 से छोटा होगा, यानी कि इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा,
यानी कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो लेस देन वन होगा ना। नहीं तो ये टू बाई टू अगर होगा तो वन हो गया, थ्री बाई टू होगा तो 1.5 हो जाएगा, बट ये होगा 1/2, यानी कि न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। अब इसका मतलब क्या होगा, जितना कैपिटल है आप उससे ज्यादा थोड़ा ना जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है तो 100 रुपए का 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं जा सकते, बोरोइंग करके तो नहीं होगा ना। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे टेक्निकल चीज अगर आप समझ जाए ना, तो मैं बता रहा हूं इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसा लगा ये, किस किस को समझ में आई, जो नीचे इक्वेशन में लिखा है कि बीटा इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा, बट अब इसको समझ लीजिए कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैपिटल का कुछ पार्ट ही हम इन्वेस्ट करेंगे ना, सारा थोड़ा ना करेंगे, है ना। मजा आया, दिस इज अ यूनिक वे ऑफ टीचिंग, सो दैट आप लोगों तक मैं सीधा सीधा आपके दिमाग में पहुंच जाऊं। लैंड कर गया मैंने, ये सब ये जो बात बताई ना सबको क्लियर हो गया है कि नहीं। देखो सीख तो जाएंगे, 100 रुपए से ऊपर थोड़ा ना जाओगे यार। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, यही है, ठीक है। चलो तो ये तीन इक्वेशन के साथ अब हम लॉन्च कर रहे हैं अपना ग्राफ। ये तीनों इक्वेशन जो थे मैंने यहां पे लिख दिए हैं, 1, 2 एंड 3। अब आपको करना क्या है, सिर्फ यहां पे देखना है कि मैंने क्या क्या किया है। ये ग्राफ है गैल्डर का, और देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि यार इतने सारे फॉर्मूले ये कैसे, लेकिन थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब देखो क्या है, यहां पे क्या किया है मैंने, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, डेल्टा के अपॉन के, सिंपल भाषा में आई अपॉन के, यानी कि जो मेरा ये वाला है ये आ गया मेरा इधर, ठीक है। इतना दिमाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, अच्छा ये डेल्टा वाई अपॉन वाई है, ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, कुछ नया बताओ या ये सब हमें पता है। ये फीलिंग आ जानी चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जानी चाहिए कि देख के डरना नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं ना अभी, सबके सब आप लोग फिगर को देख के डर रहे हो, तो डरना नहीं है, अपना रोज का है ये सोच के चलना। ये कैल्डर साहब आप कोई नया थ्योरी बताइए, हमें ये पता है, वी कैन नो व्हाट इज प्रोपोर्शनल ग्रोथ ऑफ इनकम। प्रोपोर्शनल ग्रोथ ऑफ इनकम का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेल्टा वाई अपॉन वाई। प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, आई बाई के, यानी कि डेल्टा के बाई के, खत्म, है ना। कॉन्फिडेंस, अपना स्वैग लेवल हाई होना चाहिए भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है 45°9। हाँ तो क्या हमें पता है इसका मतलब क्या है, ये है स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब भी 45 डिग्री होता है इधर वाला जो एलिमेंट है और इधर वाला जो एलिमेंट है दोनों सेम होगा। अगर ये इधर हो गया, मान लीजिए ये लाइन ऐसा हो गया, तो ये ज्यादा ये कम, अगर यहां पे है तो ये ज्यादा वो कम। आया समझ में, ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आया। देखो जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं ना, ये ग्राफ किसी भी ग्राफ को मतलब डीकोड करने के लिए काफी है। कितने लोगों को पता था, यहां पे यूट्यूब पे मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को पता है इसके बारे में जो मैंने बताया, और कितने लोगों को पता तो होगा सभी को, लेकिन किसी ने इतना सोचा नहीं होगा। ऐसा है, इधर की तरफ चला गया तो किसकी तरफ ज्यादा है, झुकाव किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, तो वो ज्यादा होगा। ये इधर की तरफ है, झुकाव किसकी तरफ है, इधर की तरफ, तो वही बात है, जिसकी तरफ मुंह मोड़ लिया तो मुंह मोड़ लिया जिसकी तरफ, वो हो गया ऐसे उल्टा उल्टा, है ना। हाँ, जिसकी तरफ झुका वो कम नहीं, वो ज्यादा, वो ज्यादा, जिसकी तरफ जिससे हट गया वो कम। अब देखो ये सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आप सीख गए, अब कोई ग्राफ डिकोड करके देखो, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पे है वाई, यहां पे है एक्स, इसका मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट y की तरफ ज्यादा है, तो यानी कि y इज ग्रेटर देन x। यहां पे पॉइंट है अगर है तो x इज ग्रेटर देन y, खत्म। जिसके करीब होगा वो बोलेगा आ जाओ भैया मेरे पास आ जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसका, वही है। तो ये हो गया, तो ये 45 डिग्री। अब ये क्या है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा कि इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं एक ऐसा ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जहां पे ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। बोले तो
डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, यानी कि ये तो मोक्ष का, मोक्ष के रास्ता है, ये तो स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यही तो है आपका नाइफ एज इक्विलिब्रियम, यही तो है गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन, सब कुछ यही तो है। कैसा लगा ये? अरे भाई, जिस रफ्तार से आपकी ग्रोथ बढ़ रही है उसी से आप कैपिटल बढ़ाइए, मजा आ जाएगा, मतलब मोक्ष का, मोक्ष के दरवाजे पे खड़े आप। हो गया, ये समझ में आ रहा है? ये देखो, ये अलग अलग लोग जो है ना, ये जितने भी यूरोपियन मॉडल्स हैं, ये सब हमारा दिमाग खराब करते हैं। अच्छा, मतलब कठिन कठिन इंग्लिश लिख के, इतना हाई फाई इंग्लिश लिख देंगे ना कि हमें समझ नहीं आएगा, मतलब कोई अगर ये हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। अब ये तो हमने तोड़ लिया, इसको डीकोड कर लिया, और डीकोड करने के बाद ये बन गया हमारे दाएं हाथ का खेल, इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है ना। अब हम लोग ऐसे करेंगे, वी विल स्नैप आवर फिंगर्स, और ये लोग नाचेंगे, अब देखो मॉडल कैसे नाचेंगे देखो। तो ये हो गया हमारा डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। जिस रफ्तार से आपकी कैपिटल बढ़ रही है उसी रफ्तार से आपकी आउटपुट बढ़ रही है, मतलब इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही तो है जिसको नाइफ एज बोला गया, क्यों? बिकॉज अगर डेल्टा वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन डेल्टा के अपॉन डेल्टा अपॉन के, क्या होगा? आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट तो बहुत हो गया लेकिन कैपिटल एक्युमुलेट नहीं हो रहा, चले गए आप कहां? डिप्रेशन की तरफ, बिकॉज ज्यादा आउटपुट कम कैपिटल। अगर इसका उल्टा हो गया तो यानी कि ज्यादा कैपिटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, डिमांड नहीं है, उल्टा हो गया। तो आप देख लो, खेलो इसके साथ, मजा आया? ये देखो, ये बहुत मजे वाला चीज है जो मैंने आपको बताया। किस किस को पसंद आया, किस, प्लीज लेट मी नो। ये बढ़ाने का मजा तभी आता है जब आपकी तरफ से मुझे सीखने को मिलेगा। सर देखो, जितना जितना मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलोगे और जितना टफ टफ इंग्लिश लिखोगे, इंडियंस जो है ना, हम लोग इंडियंस जो है ना, हम लोग उसको तोड़ ही लेंगे, उसका तोड़ निकाल ही लेंगे हम लोग। और ये तोड़ निकाल लिया ना मैंने, देखे जरा किस किस को मजा आया है। मैं बता रहा हूं, देखो YouTube पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग कैल्डर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने यार, मजा आ गया यार। और देखो, मेरा भी जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो आप लोगों से ही है, कि अगर मुझे लगे कि नहीं आप, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर भाई हम लोग ऐसे मतलब फ्रेंडली पढ़ेंगे। अगर लगता है नहीं सर आप हमें वो प्रोफेसर फैकल्टी टाइप का पढ़ाइए, तो फिर मैं वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? खूब भालो, चलो। तो देखो, मैं यहाँ पे एक थ्योरी पे नहीं हूं, मैं सभी थ्योरी को लिंक करके आपको बता रहा हूं कि क्या चक्कर चल रहा है। अपना रोज का है, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर आपको ये समीकरण समझ में, भाई साहब मैंने इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छी हिंदी बोल दी मैंने, समीकरण, अगर ये समीकरण आप समझ गए कि डेल्टा वाई अपॉन वाई यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड इट इज ग्रेटर देन द डेल्टा के बाय के, यानी कि ऐसा है तो यानी कि आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, और अगर उल्टा हो गया तो इन्फ्लेशन होगा या डिप्रेशन हो गया, चाकू की धार पे चल रहे हैं, यही है नाइफ एज इक्विलिब्रियम, यही है गोल्डन रेट ऑफ एक्युमुलेशन, यही है स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यही है गोल्डन इक्विलिब्रियम, सब कुछ एक ही है। देखो, आप चाहे भगवान कृष्ण बोलो, कान्हा बोलो, राधे राधे बोलो, सब एक ही है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो, ये हो गया आपका, तो ये हो गया हमारा सब कुछ जो हमने बताया, ठीक है। अब देखो हम कहां पे हैं, एक बात याद रखना जो मैंने आपको बताया, इस लाइन में हम स्टेडी स्टेट में हैं। अब ध्यान सुन लो, हाँ, अगर हम इधर की तरफ है, यहां की तरफ है, तो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज्यादा है, किससे? कैपिटल से, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। और अगर हम यहां की तरफ है तो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल ज्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट से। अब बस यही लॉजिक है, बाकी तो हलवा है। अब तो ये बिल्कुल क्वेश्चन, मतलब ये अब मॉडल में कुछ रहा नहीं। देखो अब क्या होता है, तो ये क्या है, ये टेक्निकल प्रोग्रेस लाइन है। क्या है ये? टेक्निकल प्रोग्रेस लाइन। अच्छा, ये क्या है? ये है टेक्निकल प्रोग्रेस लाइन। कहां है हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस लाइन? ये वाला। इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकल रूप में ऐसा कर दिया है, और ये है स्वर्ग का दरवाजा, ये रास्ता स्वर्ग का है, स्वर्ग का दरवाजा ये है, ये मोक्ष का रास्ता है, स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट रास्ता कहां, जो मंजिल कहां पे है, ये है हमारी मंजिल, यानी कि यहां पे होगा इक्विलिब्रियम, जहां पे सब कुछ सेम हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, एंड आई विल चेंज द स्लाइड।
आप देखते हैं एक बार, ठीक है, इस स्लाइड को आप छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, यहां पे देखते हैं। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट T1। नेक्स्ट 5 मिनट में थ्योरी खत्म, क्लास नेक्स्ट 7 मिनट में वाइंड अप। स्टार्ट फ्रॉम T1, तो हम टाइम पीरियड 1 में है, मान लीजिए हम लोग 2018 में है। अब 2018 में क्या हुआ कि हम यहां पे हैं, ठीक है, क्या हुआ, ये क्या है G1, राइट, मतलब हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला G1, और ये क्या है, यहां पे देखो इस पॉइंट पे हम लोग हैं I1 upon K1। तो इस कैपिटल आउटपुट से हमने G1 आउटपुट बनाया, ठीक है। अब G1 आउटपुट कितना है आपका, G1 देखो यहां पे, और I/K कितना है, ये ज्यादा है देखो, ठीक है, I/K एक्चुअली में ये कैसे समझ में आएगा, I/K कितना, ये देखो, ये सॉरी एक सेकंड रुको, ये है G1, ये है इक्वालिटी, जहां पे G1 इज इक्वल टू I1 upon K1, ठीक है। अब क्या हुआ, इतनी की मशीन से हमने क्या कर दिया, हमें इतना आउटपुट बनाना था, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी भी साथ में थी तो हमने कितना बना दिया, हमने इतना बना दिया। ये दोबारा देख लो एक बार, सो इसको अगर तब भी समझ नहीं आई, देखो ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बराबर होना चाहिए, मतलब अगर आपने एक कैपिटल किया उससे आपको आउटपुट सेम होना चाहिए, बिकॉज देखो हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वहां पे इक्वालिटी आनी चाहिए। तो यहां पे जितना आपने कैपिटल डाला उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, आपने एक कैपिटल डाला और आउटपुट आपका आ गया G1 I1 K1, इतना आ गया आपका, ठीक है, इतना आपका आ गया, यानी कि ये जितना है ये एक्सेस में है, ये क्या है एक्सेस, यानी कि इस आउटपुट को अब हम सेव करेंगे, जितना एडिशनल आउटपुट आ गया इसको हम सेव करेंगे। इधर की तरफ क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, इधर की तरफ क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। सो इस जगह पे क्या हुआ, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आउटपुट आ रहा है, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा के बाई के, यानी कि आउटपुट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम। तो ऐसा तो लोग चाहते ही हैं कि ऐसा ही सिचुएशन हो, तो क्योंकि आउटपुट कम, आउटपुट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, तो और इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, क्योंकि तभी तो आउटपुट बढ़ेगा। सो अब हमें क्या करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब क्या हुआ, ये जो डेल्टा वाई है, यानी कि आपका आउटपुट बढ़ गया, मतलब वेजेस बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया मतलब सेविंग बढ़ गया मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस दोबारा इंक्रीज होके हम पहुंच गए I2K2 पे। ये लाइन, लास्ट की लाइन देख लीजिए एक बार, मैं यहां पे अगर चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आपको, ध्यान से देखना, YT minus YT1 कहां पे है कांचन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई का मतलब क्या है, YT+1 minus YT, राइट, या YT minus YT-1, एक ही बात है, 2022 minus 2021 या 2021 minus 2020, एक ही बात है। ये समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, किसी को डाउट है तो दोबारा देख लीजिए एक बार, पहले में क्या हुआ, दोबारा से शुरू करते हैं एक बार, दोबारा से शुरू, स्टार्टिंग से शुरू क्या करेंगे, देखो हमारा आउटपुट, हमारा कैपिटल कितना है, कैपिटल है O I1 K1, इसके हिसाब से हमारा जी आना चाहिए था कुछ ऐसा, आउटपुट इतना ग्रोथ होना चाहिए था, यानी कि मान लीजिए इसको मैं ए दे देता ना, तो ओ ए होना चाहिए था 45 डिग्री लाइन के हिसाब से, लेकिन हुआ क्या, इतने से आउटपुट से हमें मिल गया ज्यादा ग्रोथ, कितना का, G1 I1 K1, यानी कि ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है, ठीक है। अब ये क्या, रिटर्न्स ज्यादा, ज्यादा रिटर्न्स, सब पागल हो जाते हैं, ज्यादा रिटर्न्स मतलब ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा वेजेस, ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा मतलब अब आप चले गए I2K2 पे, इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्ट का मतलब क्या है, डेल्टा के बढ़ा दिया आपने प्रॉफिट से। सो अब नेक्स्ट लेवल पे कहां पहुंचेंगे हम, I2K2 पे पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे,
और अब हम सोचेंगे कि इस लेवल से हम यहां पे पहुंचे, बट इस बार क्या हुआ, और ज्यादा आउटपुट हो गया, और ज्यादा आउटपुट होना चाहिए था, होना चाहिए था इतना। देखो मैं एक कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये है होना चाहिए था, और ये क्या है, हो गया। आउटपुट ज्यादा, अब जब आउटपुट ज्यादा, दोबारा ये चेंज चलाइए और आप पहुंच गए i3 k3 पे, तो यहां पे पहुंच गए। अब यहां से देखिए, कलर चेंज कर रहा हूं, सबको दिख जाएगा, मैं जा रहा हूं पर्पल कलर में। अब यहां से मैं ऊपर गया, अब देखो होना चाहिए था इतना और हो गया ज्यादा, ये ज्यादा हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम पहुंच गए, होना चाहिए था एक, ज्यादा आउटपुट, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा सेविंग, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे करते करते जाएंगे लास्ट में। और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये ऐसा होगा, ये देखो ऐसा होगा, मतलब जितना आउटपुट आपने डाला उतना ही कैपिटल आपका मिल गया, उतना ही कैपिटल आप, जितना कैपिटल डाला उतना ही आउटपुट हो गया, और इसके आगे प्रॉफिट आप नहीं करेंगे, यानी कि आप स्वर्ग के दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहे हैं और आपको मोक्ष मिल गया है। यह है कहानी कैलेंडर की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसा लगे सर, इफ ओपी ऑलरेडी ग्रो अच्छे रेट से हो रहा है विथ लेस ग्रो कैपिटल, देन वाई डू इंक्रीज कैपिटल फर्दर, ऑलरेडी तो अच्छे रिटर्न्स हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बट आपका तो प्रॉफिट भी तो है ना, तो प्रॉफिट क्या करेंगे आप, जमीन में गाड़ देंगे क्या, प्रॉफिट तो लगाएंगे ना, और प्रॉफिट जैसे ही आपने डाला इन्वेस्टमेंट में आपका कैपिटल बढ़ गया, नहीं तो वो प्रॉफिट कहां डालेंगे ये बताइए, जमीन में गाड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो उसको रिप्लॉ करेंगे ना, रिप्लॉ करते ही वो बढ़ जाएगा, शूट कर जाएगा आगे। ये है कहानी इसकी। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा, पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट है, हमने सपोज कर लिया पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर कैपिटल उसको भी हायर एब्जॉर्ब करेगा, अगर कैपिटल लेबर बढ़ता है तो लेबर जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, लेबर जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बड़े हुए कैपिटल को भी कंज्यूम करेगा, मशीन में और लोग लगेंगे, हो जाएगा। सो इतनी मुश्किल थ्योरी गाइज, आई शुड गिव यू नो, मतलब मेरी तरफ से सबको एप्रिसिएशन, सबका एप्रिसिएशन। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है समझना, तो मेरा काम तो सेकेंडरी है, आपका काम है प्राइमरी, ठीक है, मेरा काम है सेकेंडरी, समझाना तो कोई भी मतलब चुन्नू मुन्नू सब समझा देंगे, लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए, और वो आपने कर दिया। सर आई बाई के पर पहुंचने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्या, हाँ लास्ट वाला जो है वहां पे बाद क्या होगा, जितने का आउटपुट उतने का इन्वेस्टमेंट, कहां डालेंगे आप प्रॉफिट, प्रॉफिट डालने के लिए हम मशीन नहीं है, टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी है हमारे पास। सर वाई कांट इंक्रीज मोर आउटपुट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉफिट टू सेव मोर, सिंपल जॉयदीप, यू डोंट हैव प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड आउटपुट इज सेम नाउ। हाउ टू द क्वेश्चन आज बाय एनटीए, वेट रविंद्र थोड़ा सा वेट कीजिए, मैंने आज क्वेश्चन नहीं लिए, दो चार लिए हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इंपॉर्टेंट तो समझ ही समझना ही है सर, हाँ बिल्कुल, डिनर विद कैलेंडर नाउ इजी हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा ठीक है, क्लास इज फाइन सर, ग्रोथ मॉडल इज क्लियर नाउ, वेरी गुड सुरुश्री सर, आप कहले की और फैसिलिटी मॉडल भी पढ़ाएंगे क्या, अभी तो मेरे प्लान में नहीं है, ठीक है सर, जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यूज निकल रहा है, वैसे उसकी रेट से कम हो जाता है, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल दोबारा बढ़ गया, इतना आसान समझाना, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो, वो भी इकोनॉमिक्स तभी तो कहां क्या कहना पर ये थोड़ा मुझे हिंदी का मुश्किल है तो इजी तो समझ, ठीक है इजी मैं समझ गया, असाधारण, थैंक यू व्यापक, चलो बहुत बढ़िया सर, पर्पल लाइन थोड़ा सा समझा दीजिए, देखिए कुछ नहीं है, वो एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूं, एक बार और बता देता हूं ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको भी एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं देखो मेरा एक थ्योरी है अनुश्री, टीचर्स अच्छे नहीं होते, हमेशा टीचर खराब होते हैं, स्टूडेंट हमेशा अच्छे होते हैं, स्टूडेंट क्यों, पेपर में नंबर कम आ जाए तो टीचर खराब, असाइनमेंट पूछ लिया तो टीचर खराब, पेपर टफ आ जाए तो टीचर खराब, स्टूडेंट हमेशा अच्छे होते,
ठीक है, बट वाई वी कैन नॉट सेव इक्वल टू आउटपुट, बिकॉज अगर इफ यू सेव इक्वल टू आउटपुट, जॉयदीप, यू डू यू नो व्हाट यू आर आस्किंग मी? It's a crime to ask such question. If we are saving equal to our output, that means we are not consuming. We don't exist. Did you understand, my friend? Joydeep, agar aapne pura ka pura saving kar liya, to aap khaoge kya? Consume kya karoge? Kuch nahi. Kuch to save karna padega na. Kuch to consume bhi karna padega. We are not like capitalists in the John Robinson model. Those who do not consume anything. Hai na? चलिए, ये हल्के हल्के में हमने पढ़ लिया ये पूरा. अच्छा, एक बार दोबारा बता देता हूं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, और इसके बाद तो सरप्राइज आपके आपके लिए है, सो डोंट गो एनीवेयर, सरप्राइज अभी बाकी है. अंतराल मत लीजिए, देखिए ध्यान से समझ लीजिए इसको. अब देखो क्या होता है, हमें रहना है, देखो ये हमारा लाइन है, इस लाइन में हमें रहना है, हमें इस लाइन में रहना है, ठीक है. बट हो क्या रहा है कि हमने स्टार्टिंग किया इससे, इतने से स्टार्टिंग किया, और इतने से हमें इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन है. अगर हम इतना डाल रहे हैं, इतना मिलना चाहिए था, बट हो गया ज्यादा और हम खुश हो गए बहुत ज्यादा कि भाई ये तो रिटर्न्स तो बड़े जबरदस्त आ रहे हैं इसमें, तो हो गया इतना. अब हमने क्या किया, ये जो एक्सेस ऑफ आउटपुट है इसको डाल दिया आउटपुट, एक्सेस ऑफ आउटपुट, एक्सेस आउटपुट, एक्सेस आउटपुट मतलब इनकम ज्यादा, सेविंग ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कैपिटल एक्युमुलेशन ज्यादा, और जैसे ही डेल्टा के बड़ा, बढ़ के हो गया डेल्टा के टू, यानी कि आई टू, पहुंच गए हम यहां पे. आपको सेविंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो इसी रेट से आप जाओगे, तब भी अगले साल आप यहीं पहुंचोगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट ना. अगर आप कहो, कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मत करो इन्वेस्टमेंट, आप यहीं के यहीं रहोगे. अगर आप ट्वेल्थ के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कहां आप मास्टर्स करोगे, आप ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ में रहोगे ना. ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई. अगर ट्वेल्थ के बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तभी तो मास्टर्स में जाऊंगा, ग्रेजुएशन करूंगा, मास्टर्स करूंगा, एमफिल करूंगा, पीएचडी करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर रिटायर, तभी तो होगा ना. आप अगर बोलो कि नहीं मुझे यहीं पे इसी रेट पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा, आप यहीं पे रहेंगे. एनीवे, सो जैसे जैसे आप आउटपुट डालेंगे तो आप यहां पहुंच गए. अब नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, हमने जैसे यहां पे पहुंचे तो हमें, अब मैं नेक्स्ट टाइम पे दिखा रहा हूं, देख लो हम यहां पे हैं, इतना कलर ज्यादा कर दो ताकि दिख जाए सबको, इतने से हम कर रहे हैं, तो इतने से हमें इतना मिलना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी लाइन यही है, इतने का आउटपुट और इतना है कैपिटल मिलना चाहिए. लेकिन मिल क्या रहा है, बोनस, बोनस कितना मिल रहा है, रेड कलर से देखो इसको, बोनस यहां पे मिल रहा है. तो इतने का हो गया एडिशन. अब ये एडिशन कहां गया, गया दोबारा वहां पे प्रॉफिट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, बढ़ गया आप दोबारा यहां पहुंच गए. अब जैसे यहां पहुंचे आप दोबारा यहां पे पहुंचे, दोबारा वही समीकरण चल रहा है यहां पे, फाइनली यहां पहुंचे, तो इस पॉइंट पे ना तो आप जितना आप कैपिटल डाल रहे हो उतना प्रॉफिट डाल रहे हो भाई, जब अदरवाइज आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब ये समझ लो कि आप यहां पे हो, ये क्या है एलएसी कर्व, एलएसी कर्व के आप नीचे पे हो, तो क्यों यहां, यहां पे क्यों पहुंचते हो, यही पे रहो ना कि ठीक है भाई हमें कम, हमारे कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है. आप तो नीचे आते हो ना, यहां पे तो आते हो, तो ये कॉन्सेप्ट तो वही है. यहां पे नहीं रहना हमें, हमें तो कांस्टेंट पे रहना है, जब जितने आउटपुट उतना कॉस्ट, ये है सारा कॉन्सेप्ट. तो आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा. और ये देखिए क्वेश्चन एक लिया है मैंने, दो चार मुझे और क्वेश्चन, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट मिले थे इस फिगर को, इसको पीपीटी को बनाने के लिए, और मैंने 15 से 20 मिनट में ये काम किया. मैं क्वेश्चन और देखता हूं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं मार्क्स में ले लूंगा, ठीक है, चलेगा ना, गुस्सा मत होना सभी के सभी. सर आफ्टर सर्टेन पॉइंट टाइम कैन नॉट इंक्रीज टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट आउटपुट. हां, आफ्टर सम टाइम, बिकॉज वी डोंट हैव, जयदीप जस्ट टू ऐड वन थिंग टू यू, आफ्टर सर्टेन टाइम यू आर राइट एक्जैक्टली कि वी कैन नॉट इंक्रीज द कैपिटल टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गो, वी गॉट द आउटपुट. द रीजन इज बिकॉज वी आर गेटिंग द आउटपुट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, सो वी डोंट हैव एडिशनल प्रॉफिट टू इन्वेस्ट, नो एडिशनल प्रॉफिट, नो एडिशनल कैपिटल, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं. सर बीटा ग्रेटर देन वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीटा लेस देन वन है, बिकॉज डेल्टा आई, आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही तो, जितना आप इनकम कर रहे हो उतना ही तो कंज्यूम करोगे ना. सो व्हाट इज दिस, एक सेकंड रुको, व्हाट इज बीटा, बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है इट हैज टू बी लेस देन वन. इसका मतलब क्या हुआ कि आई बाय के, यानी कि
इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? कैपिटल से आएगा, बिकॉज कैपिटल क्यों, जितना कैपिटल आपने डाला उतना आउटपुट आएगा, उस आउटपुट से आप सेविंग करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ तो कंज्यूम भी करोगे ना। अरे भाई बिना मतलब सौ अभी अभी रुको, तुम लोग सब नौकरी करना शुरू करो, सबको समझ में आ जाएगा। सभी सोच रहे हो ना कि हाँ चलो ठीक है, जेआरएफ निकलने के बाद मेरे पास 30,000 31,325 रुपए मिलेगा, मैं पूरा का पूरा सेव करूंगा। मैं बता रहा हूँ उल्टा सोचोगे तुम लोग, मतलब हो सकता है कि 1,500 रुपए मुश्किल से बच जाए। मेरे साथ का मेरा अपना लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। हॉस्टल में ही खर्चा चले जाता है, खाने वाने का भी खर्चा चले जाएगा। किस दिन हॉस्टल में गए, देखा कुछ खाना बना ही नहीं, गंदा वाला खाना मिला जो आपको पसंद नहीं है, मान लो टिंडे बन गए, राइट, टिंडे भिंडी जो पसंद नहीं है, तो क्या करोगे, बाहर जाके खाना खाओगे, लास्ट में देखोगे 1,500 रुपए बचा। तो ये उल्टा है, आप सेव कंज्यूम तो कुछ ना कुछ तो करोगे। दोस्त हु कैन हु आर इन हॉस्टल दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई लोग, ऐसा होता है ना। जॉयदीप व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू योगेश, आई एम रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई एम रियली वेरी व्हाट यू से थैंकफुल टू यू गाइस। अच्छा योगेश का एक अच्छा सा कमेंट आया, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ सभी के साथ। इरशाद रिशाद बोलिएगा, हाँ थोड़ा सा। योगेश इज राइटिंग, सर आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट बट अटेंडिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लिटरली एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट। थैंक यू योगेश, यू शुड थिंक दैट यू शुड कम टू इकोनॉमिक्स नाउ, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट। स्टूडेंट की वजह से डिराइव डिमांड हो रहा है टीचर का, हाँ, और आप उनमें से जो सबसे अच्छे और सबसे अलग हो। थैंक यू शोविक, थैंक यू बहुत 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 शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। चलिए सिद्धार्थ, व्हाट इज योर डाउट, टेल मी, आई हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर डाउट्स, प्लीज टेल मी। सर हेयर कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल वेरी, व्हाट विल हैपन टू द मॉडल, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द मॉडल एंड दिस सेज जब लेबर बढ़ेगा आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये लेबर जाके कहां जाएगा, जो एडिशनल कैपिटल आपका आ रहा है वहां पे जाएगा, उस कैपिटल को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ हम लोग इसको ऐसा लैम्डा के साथ कर देंगे, सॉरी ये ऐसा जाएगा, ऐसा, दैट इज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक लैम्डा वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी नहीं, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वर्ल्ड बैंक सॉरी व्हाट यू से यूएनडीपी बोलता है कि 2.1 इज द रिप्लेसमेंट रेट। सो 2.1 के लेवल पे भी अगर कांस्टेंट ग्रोथ पे चले तो लेबर और कैपिटल दोबारा वही पॉइंट आना ही है जो कि अभी आउटपुट के साथ आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। Consider the following statement about the Caldas model of economic growth. Investment is a function of profit rate. Capital is homogeneous. MPS is same for wages earner and profit earner. So, इसमें से कौन सा statement right है? देखिए, MPS is same for wage earners and profit earners का मतलब हो गया alpha and beta, right? Alpha जो है MPS out of capitalist है और beta का मतलब है MPS out of workers है, of wages है. So, हमें इतना पता है कि ये जो है ऐसे है, राइट तो ये तो गलत हो गया। कैपिटल इज नॉट होमोजीनियस, व्हाई, बिकॉज हर एक कैपिटल मुझे नया नया आउटपुट दे रहा है। जैसे आई बाय के मुझे आउटपुट हायर दे रहा था, आई टू बाय के टू मुझे और हायर आउटपुट दे रहा था। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन मुझे कांचन के यहां से याद आया कि इधर जो हम लोग कैपिटल लगा रहे हैं, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मतलब लेबर सेविंग कर रहे हैं, लेबर सेविंग यानी कि जितना लेबर हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट में है हम लोग, सो लेबर आवर हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्स्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा हमें वर्किंग पॉपुलेशन मिलेगा नहीं। तो कैपिटल इंटेंसिव में आप डाल रहे हैं ताकि उसी लेबर से आप कैपिटल ज्यादा आउटपुट लेके आ सके, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट, यही मात्र सही है। कैसे, ये देखो इसका फिगर, ये रहा। So investment is a function of profit rate. Investment is a function of profit rate. So investment is a function of K. K is a function of profit rate. हो गया। मैं ज़्यादा question नहीं ला सका, लेकिन जितना भी question मैं लेके आया मैंने आपको दिखाया। Okay, just a minute. Just a minute. Take this screenshot. All the growth and development theories together. Guys, please like it. Please like it. देखो
इतना कुछ बोलने के बाद अगर 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 आप लोगों को मुझे बोलना पड़े ना कि प्लीज लाइक द वीडियो, बुरा लगता है. हाँ, ऑल द पीपल हियर प्लीज लाइक द वीडियो ऑन यूट्यूब प्लीज ऑल ऑफ यू. देखो कहीं ना कहीं मेहनत तो लगती है बॉस लोग, भाई लोग, जेआरएफ लोग, तो इसी बारे में प्लीज लाइक कर दीजिए. मेरा अभी भी लाइक्स बहुत कम, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. अच्छा ठीक है, आप लाइक कीजिए, मैं डाउट देखता हूं आपका. आई हैव नाउ ट्रेडेड लाइक दिस. एनीवे, यस सिद्धार्थ, व्हाट इज योर डाउट सर? इफ बिजनेसमैन स्टार्ट, अरे डोंट वरी, ये इसी में सोनाक्षी, इसी में आपको मिल जाएगा. ये जो देखो, सभी के सभी अभी के अभी एक काम कीजिए, शो मोर पे क्लिक कीजिए. शो मोर, इसी वीडियो के शो मोर में जाइए, वहां पे एक दूसरा लाइन, जो दूसरा लाइन है, एक्सेस द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन. आप मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं इस पीडीएफ को वहां पे डाल दूंगा इस सेशन के बाद. ठीक है. अच्छा सिद्धार्थ, योर क्वेश्चन सर, इफ बिजनेसमैन स्टार्ट डूइंग सम काइंड टू द पुअर पब्लिक, देन गोल्डन रेट देर में अचीव होगी, देर में अचीव होगी, ठीक है, बट सोशल वेलफेयर बढ़ेगा. हाँ बढ़ेगा. कैन वी डू इट, कैन वी इमेजिन सच सोसाइटी? गोल्डन सम काइंड टू द पुअर पीपल, देन पब्लिक गोल्डन रेट भी अचीव होगा. ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा, मैं एक बार, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. इफ सम काइंड ऑफ, क्या था, एक मिनट, बिजनेसमैन स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ पुअर, सम काइंड टू द पुअर, अच्छा गोल्डन रेट में अचीव होगा. हाँ ठीक है. सो इफ वी स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ पुअर, पुअर को हेल्प करते हैं, सो क्या होगा, हमारा डेल्टा के जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो प्रॉफिट कम हो गया, राइट. वन थिंग इज दिस, बिकॉज वी आर मेकिंग मोर टू द पुअर, पुअर के लिए हम हेल्प कर रहे हैं, पॉवर्टी के लिए हेल्प कर रहे हैं. सो दिस इज वन, प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया यानी कि आपका कैपिटल एक्युमुलेशन कम हो गया, एंड ऑल दोस थिंग्स दैट आर हैपनिंग. सो यहां पे साथ ही साथ एक चीज और होगा कि अगर इफ द पुअर्स, इफ यू आर पुटिंग द डायरेक्ट कैश बेनिफिट, ठीक है, सो डायरेक्ट कैश बेनिफिट से वो कॉन्स्पिशियस आइटम में चले गए, कंजम्पशन बढ़ जाएगी किसी और चीज की, आपके आउटपुट के लिए बढ़ेगी. सो वहां पे हो सकता है कि यू विल बी इन अ डाइवर्जेंस ऑसिलिएशन, मतलब आप स्टेडी स्टेट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे. बट इफ यू डू इट इन दिस मैनर कि पुअर को आप डायरेक्टली हेल्प मत कीजिए, लेट गवर्नमेंट हेल्प इट. सो गवर्नमेंट कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ फूड फॉर वर्क और शू फॉर वर्क और मोबाइल फॉर वर्क और लैपटॉप फॉर वर्क, इस तरह की अगर स्कीम चले जहां पे पुअर लोग काम करेंगे और उनको पैसे की जगह पे उनको मिलेंगे इनकम अर्निंग एसेट, तो फिर बात बन जाएगी, तो फिर स्टडी सेट में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग, जितना लेट होगा उससे पहले पहुंच जाएंगे हम लोग. सिद्धार्थ, आई आंसर टू योर क्वेश्चन. सर योर फ्री क्लास, आई डिडंट गेट यू रमेश दा. हाँ बोलो, उसके बाद मैं समझ नहीं पाया, बिकॉज पीपीटी इज नॉट क्लियर शो. सर डिपेंडेंसी थ्योरी में इकोनॉमिस्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी कहाँ है? नहीं मैंने डिपेंडेंसी थ्योरी तो बताई नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको, ओनली दिस मच. ओके फाइन, ऑल फाइन. चलिए, सो कल, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव थ्री थिंग्स टुमारो, रोस्टो, लिंकेज ऑफ रोस्टो विद इंडिया, हार्बे लेविंस्टन, और वन मोर थ्योरी इज देयर, एक सेकेंड मैं देख लेता हूं कौन सी थ्योरी है वो. सो कल, यस, क्रिटिकल एफर्ट, बुक, बिग पुश एंड रोस्टो इन अ न्यू अवतार, बिग पुश. सो वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस थ्योरी कल 8 बजे. डू कैच मी विदाउट अनडाउटेडली 8 o'clock, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू. एंड इस सेशन के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप इस सेशन को एक बार दोबारा देखिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शो मोर में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा. थैंक यू गाइज फॉर बींग विद मी टिल द एंड. थैंक्स योगेश एंड शोविक, विवेक, पल्लवी, अदर्स टू बी विद मी. आशा करता हूं सभी को मैंने हिंदी में समझाया, सबको समझ में आया. अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है. और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपना रात के 8 शाम के 8 बजे का टाइम ब्लॉक कर लीजिए विद अमित सर. सो टुमारो डिनर विद 3 पीपल, रोस्टो, हार्वे लेविंस्टन
एंड बिग पुश थ्योरी विद नक्सेक. ठीक है, थैंक यू.